चलो बच्चा थर्ड नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है। द एलसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू गिवन नंबर आर 9 and 459। आगे चलता है, वन ऑफ दोज नंबर इज 27, फाइंड आउट द अदर नंबर। तो आप बोलोगे सर इसमें ऐसा हम लिख सकते हैं एचसीएफ, एक नंबर हमें पता है कितना 27, तो दूसरा नंबर बी होगा, हमें वैसे लिख सकते हैं यहाँ इनटू नहीं, इज इक्वल टू, पहले एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो आप बोलोगे 27 एंड बी 459। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर हमें पता है फॉर्मूला एच सी एफ ए इंटू बी, आप बोलोगे एल सी एम दो नंबर और दो नंबर का मल्टीप्लाई। क्लियर है बच्चा, बहुत सिंपल है। तो आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ 9 लिखो, यहाँ पे 459 लिखो, यहाँ पे आप लिखोगे 27 और यहाँ पे सर क्या लिखेंगे इंटू बी, मतलब जो नंबर ढूंढना है वो। आप बोलोगे चलो सर थोड़ा प्रॉपर लिखते हैं, 9 × 459 डिवाइड बाय 27, तो ये हो जाएगा बी। आप बोलोगे सर यहाँ तो 9 3 हो जाएगा और ये हमें डिवाइड करना शुरू करते हैं, तो 459 3 से करेंगे तो 3 1 3, ये 1 आ जाएगा 15, तो आप बोलोगे सर 3 5 15 और यहाँ पे 9 3 3 9 हो जाएगा और 0, तो ये हो जाएगा 5 153 हो जाएगा, तो 153 इज इक्वल टू बी। तो मतलब आप बोल सकते हो सर जो दूसरा नंबर है वो कौन सा है, 153। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नोटबुक में प्रॉपर लिखना जिससे आपको क्लैरिटी आए। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।